अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड नजर। यशराज फिल्म्स की शाहरुख खान स्टारर पठान ने फिल्म में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमाकर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। इस फिल्म के हर एक डायलॉग पर तालियां बजी, लेकिन थिएटर में सबसे ज्यादा सीटियां और तालियां तब बजी थी जब टाइगर यानी सलमान खान की एंट्री हुई थी। हालांकि शाहरुख और सलमान एक दूसरे के फिल्म में ऐसे कई कैमियो रोल्स कर चुके हैं, लेकिन 1995 की रिलीज हुई करण अर्जुन के बाद दोनों ने कभी बिग स्क्रीन शेयर नहीं की। इस जोड़ी को मिले रिस्पांस के बाद आदित्य चोपड़ा ने अपनी स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइजी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का प्लान बना लिया है। जी हां, आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद मिलकर बॉलीवुड की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोजेक्ट टाइगर वर्सेस पठान को फाइनल कर चुके हैं और इस फिल्म में शाहरुख एंड सलमान पूरे 29 सालों बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। हालांकि आदित्य चोपड़ा को टाइगर वर्सेस पठान नाम पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए नए नामों को ढूंढने की जिम्मेदारी उनकी वाइफ रानी मुखर्जी को दी गई है और कहा जा रहा है कि फिल्म में शायद पहली बार शाहरुख की वाइफ गौरी खान का कैमियो भी देखने को मिल सकता है, जिनके अलावा पठान और टाइगर फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ भी फिल्म में दिखाई देंगी। इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू हो जाएगी और उसी साल फिल्म को रिलीज भी किया जाएगा। YRF की टीम इस फिल्म को बनाने में जी जान लगाने वाली है, क्योंकि आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि ये फिल्म रिकॉर्ड स्मैशिंग ब्लॉकबस्टर बनकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अपनी जगह बना ले। हालांकि जहां एक तरफ सलमान खान की पिछली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, वहीं शाहरुख की फिल्म पठान ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया था, तो देखना ये होगा कि इस फिल्म में शाहरुख या सलमान में से किसका रोल ज्यादा स्ट्रांग होगा और क्या ये फिल्म भी 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर पाएगी या नहीं। इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए बॉलीवुड नजर।